देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कठोरता, जल की कठोरता के बारे में, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। देखिए, जल दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार का जल होता है, एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। मतलब मृदु जल आप किसे कहेंगे, फिर से सुन लीजिए और याद भी कर लीजिए, परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी किताब से। देखिए, वह जल जो साबुन के संपर्क में आने पर ज्यादा से ज्यादा झाग देता है और जल्दी से जल्दी झाग देता है, वो क्या कहलाता है, मृदु जल। और जो जल साबुन के संपर्क में आने पर भी जल्दी जल्दी झाग नहीं देता है, अगर देता भी है तो बहुत देरी में बहुत कम कम झाग देता है। मतलब ऐसा जल जो साबुन के संपर्क में आने पर अस्किता अस्किता के झाग देता है। मतलब आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं, आप कह सकते हैं कि जो जल साबुन के संपर्क में आने पर बहुत देर से और बहुत ही कम मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, वह कठोर जल कहलाता है। जल में कठोरता क्यों आ जाती है, अगर जल में कठोरता क्यों आ जाती है आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे क्योंकि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट आयन घुले रहते हैं। जब किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन घुल जाते हैं, तब उसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है। और किस तरह की कठोरता उत्पन्न होती है, अस्थाई कठोरता। कौन सी कठोरता, अस्थाई कठोरता। अगर किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट घुल जाएंगे तो उस जल में कौन सी कठोरता आ जाएगी, अस्थाई कठोरता। अगर आपसे पूछा जाए कि जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो चलिए हम लोग देखिए जल की कठोरता को दूर करने के उपाय में पढ़ लेते हैं। एक होता है, हमारे पास होता है कौन सा कठोर जल, अस्थाई कठोरता। मतलब अस्थाई कठोरता को दूर करने के उपाय हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अस्थाई कठोरता को दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय। और यहाँ पे क्या करेंगे, अस्थाई कठोरता को दूर करने के उपाय, अस्थाई कठोरता को दूर करने के उपाय यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में तो बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन देखिए आप जहाँ तक जानते हो उसके बाद देखिए, पहली विधि क्या है, उबाल कर। मतलब बाई बॉइलिंग। जब आप उबालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, देखिए आप क्या करते हैं, किस जल को उबालते हैं, जिसमें अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा MgHCO3। इसको जब आप उबालेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ से M ये ट्वाइस रहेगा, ठीक है, Mg एक यहाँ से O और एक यहाँ से H निकल जाएगा इधर, मतलब MgOH का ट्वाइस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, 2CO2। ये गैस बन के उड़ जाएगी, बाकी ये जो है पानी में मिल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, तब जो जल है, जल की अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर देखिए इसी तरह से Mg अगर नहीं है, कैल्शियम है, सपोज कैल्शियम है यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट की अशुद्धियाँ उसमें घुली हुई हैं, ठीक है। तो ये इसको जब आप गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, यहाँ पे बॉयल लिख सकते हैं, बॉयल यहाँ पे बॉयल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा और फिर यहाँ से 2CO2 ये गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपका ये जो है ये जल में मिल जाएगा और इसके मिलने से आपका जल की जो कठोरता है उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा और जल की जो अस्थाई कठोरता वो दूर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी दूसरी प्रोसेस की बात की जाए, दूसरी प्रोसेस की, ठीक है, तो वो है क्लार्क प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, क्लार्क विधि, या इसका दूसरा नाम है लाइम प्रोसेस। मतलब कि चूना विधि द्वारा। इस विधि में हम क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं, किसमें मिलाएंगे, उस अस्थाई कठोर जल में। उसमें क्या होता है, देखिए अस्थाई कठोर जल में जब आप चूना मिलाएंगे तो अस्थाई कठोरता क्यों होती है, बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और जब आप इसमें चूना मिलाएंगे तो होगा क्या, देखिए ये हो गया आपका चूना, ठीक है, बुझा चूना इसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे MgHCO3 बाइकार्बोनेट कितनी बार है, दो बार है, ये एक बार कार्बोनेट इसके साथ, एक बार कार्बोनेट इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे HO दो बार है, यहाँ का 2H और चला जाएगा 2H2O बना देगा। मतलब होगा क्या, जब इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा MgCO3 और ये पेंदी में बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और उसी तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा और ये भी पेंदी में जाके बैठ जाएगा। इनको हम छान कर अलग कर लेंगे और फिर यहाँ पे 2H2O है और यहाँ से 2H, मतलब हो जाएगा 2H2O, ये पानी में आपके मिल जाएगा। ये दोनों हम छान कर अलग कर लेंगे उस जल में से, जल की अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगी। अब देखिए इसी तरह से मैग्नीशियम की जगह कौन हो सकता है, कैल्शियम, तो यहाँ भी कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, मतलब दो बार कर देंगे, यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब दो बार हो जाएगा, वो भी पेंदी में बैठ जाएगा, उसको हम छान कर अलग कर लेंगे तो जल की अस्थाई कठोरता दूर हो जाएगी। अब देखिए अस्थाई कठोरता को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए पहली विधि क्या है, परम्यूटेड विधि।
परम्यूटेड विधि, ठीक है। देखिए परम्यूटेड विधि या इसी को कहते हैं कैलगन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिएगा, कैलगन विधि। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जल की अस्थाई जल की अस्थाई कठोरता के साथ हम लोग परम्यूटेड या जियोलाइट मिला देते हैं। देखिए ये कैलगन तो दूसरी विधि है, दूसरी विधि को हम लोग नीचे लिख देते हैं कैलगन विधि। कैलगन विधि, इन दोनों का आपको फार्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है। कैलगन विधि में हम क्या करते हैं, जल की अस्थाई कठोरता के साथ हम लोग कैलगन मिला देते हैं। अब देखिए परम्यूटेड, परम्यूटेड का पूरा जो फार्मूला है पहले वो जान लीजिए, एन ए टू ए एल टू एस आई टू ओ एट, ये एल टू एस आई टू ओ एट, ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको कहते हैं। यही क्या है, जियोलाइट कहा जाता है, या इसको हम परम्यूटेड भी कहते हैं, या इसको हम लोग एन ए टू जेड से भी दिखाते हैं, एन ए टू जेड से शॉर्टकट में दिखाते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। देखिए कैलगन, कैलगन का क्या नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एन ए फोर एन ए टू सॉरी एन ए टू पी ओ थ्री का होल सिक्स टाइम रहता है, ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एन ए सिक्स पी सिक्स ओ अट्ठारह, ये होता है सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जल की अस्थाई कठोरता के साथ हम लोग कैलगन मिलाते हैं, तब भी उसकी अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है, या फिर उस जल की अस्थाई कठोरता के साथ हम लोग परम्यूटेड मिलाते हैं या जियोलाइट मिलाते हैं, तब भी उसकी अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है। अब देखिए जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के और भी इलाज हैं, जैसे देखिए आयन एक्सचेंज, मतलब आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि, ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करते हैं। दूसरी क्या है, संश्लेषित रेजिन विधि, संश्लेषित रेजिन विधि, इससे भी क्या करते हैं हम लोग, जल की अस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए जल की अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, तो सब आपके सामने हैं, आप इनसे आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यदि आपको इसके बाद भी कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों अब बता दें कि ये वीडियो नंबर दो है, मतलब हाइड्रोजन जो टॉपिक है, जो लेसन है, इसका ये दूसरे नंबर की वीडियो है, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे हाइड्रोजन परॉक्साइड के साथ, डाई हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे और भारी जल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पूरे लेसन की वीडियो कई पार्ट में होकर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके पहले की भी लेसन की अलग अलग पार्ट में वीडियो आपको अपलोड की गई हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।